फ्रेंड कैसे आप सभी गाइस, आई एम मोस्ट वेलकम टू माय जय शटू टू टाइम। सो गाइस, जो हमारा टेक्नोलॉजी सीरीज चल रहा है इसी की बात करेंगे। आज हम दो से तीन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आज। और हम जो भी पॉइंट है, देखिए आजकल क्या आ रहा है मोटिव, बच्चे काफी बच्चे हैं कंफ्यूज है, जो मेरे जो अपने जो जमे जाना रहे हैं यार में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उम्मीद ये रखिए 90% कि जो आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है वो तो खैर नहीं आएगा, लेकिन जो सिलेबस हमारा रिड्यूस हो चुका है उसको भी अगर हम वन टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम सैम्पलेबल सेट बनाने के बाद उसको हम करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें केवल वही क्वेश्चन बात करेंगे जो आपको सिलेबस आपको दिया है पढ़ने के लिए। ठीक है, अभी मैं इसके अलावा ऐसा ओवरव्यू ले रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अपने आप। और ऐसा क्वेश्चन मैंने इसे जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था किया भी है, तो आई होप की चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। तो आप वीडियो पॉज करें, खुद ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और आपके जो बच्चे नया है चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करिए, खुद ही सॉल्व करिए। ठीक है, मैं तो करूंगा ही। ठीक है, तो जो कर चुके हैं सॉल्यूशन वीडियो पॉज करिए। ठीक है, वीडियो देखिए सॉल्यूशन। पहले क्या है, क्या बोल रहा है कि इफ साइड ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, वन है। यहाँ पे दो हमें दिया स्टेटमेंट, एक साइड कहते हैं कॉस के लिए, और अगर क्या है जो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, क्या है ए प्लस बी इज बड़ा है, मतलब क्या कहते हैं इससे जीरो से, ऑल्सो एंड ऑल्सो लेस देन है, मतलब छोटा है बराबर किसके 90 डिग्री। तो जो आपको दो स्टेटमेंट की बन है इसको क्या करो, आप दो साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या वन है। अगर साइन अगर इज वन है क्या रहेगा, हम कहते हैं साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। बिकॉज जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो क्या आपकी होती है, वन होती है। क्या होती है, वन होती है। क्या हो गया, therefore a plus b इक्वल क्या आपका हो गया 90 हो गया। ये आपका एक से फर्स्ट हो गया। ठीक है, अरे भाई यहां से क्या हो गया, साइन आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, इसलिए ये कैंसिल करने के लिए और इक्वेशन को बनाने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, अब क्या है एंड एंड में क्या हुआ, जो हमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है cos cos a माइनस बी इसका भी क्या आपका रूट थ्री पावर टू, बताओ रूट जो है इसकी वैल्यू है cos a माइनस बी इसका भी क्या हुआ cos 30 डिग्री। क्या हुआ जी, तो cos आपका कैसे जाएगा, क्या कहते हैं a माइनस बी इसका क्या आपका हुआ 30 डिग्री। क्या आपके क्वेश्चन हो सेकेंड, ठीक है, क्या आपका हुआ क्वेश्चन सेकेंड। चार एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, जब हम दोनों किसी को एड करेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी एडी माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या आएगा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2a इसका भी कितना आपका आएगा 120 डिग्री। ए इसका भी क्या आपका आएगा 120 डिग्री बाय 2 मींस दैट 60 डिग्री। ए इसका भी क्या आपका आ गया 60। और क्या करो, इस a का जो मान आया है वैल्यू है ये इसको आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो। मैं मेरा जो कहा बी में नहीं मैं ए पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक वैल्यू क्या है 60 है, 60 डिग्री प्लस प्लस बी, एक वैल्यू क्या है 60 डिग्री प्लस बी, बी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री है। ऑलराइट, देन बी इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री माइनस का 60, आंसर विल बी 30 डिग्री। क्या हुआ, देखो
A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree. ये आपका बराबर आंसर हो गया। चलो तालियों और नीचियों को समझो। तो अगर इस रेस पे कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आराम से सॉल्व कर लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तालियों ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में कोई जादू है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमने पिछले जो पीडीए है उसमें किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है जाइए प्ले लिस्ट में उसको देखिए, देन कम बैक टू दिस वीडियो। ओके हाँ, जो अच्छे कलाकार है होशियार है उसी का रिजल्ट पहले आप इसी को सॉल्व करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखते हैं बिल्कुल डरे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कब? जब आपकी इनकी वैल्यू याद हो। वैल्यू आपको ऑलमोस्ट याद हो गई होगी। अगर साइन की याद है बाकी सारी नहीं याद है, ठीक है। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है, साइन जीरो, साइन थर्टी, साइन फोर्टी फाइव, साइन सिक्सटी, साइन नाइनटी, बाकी उल्टा क्या हुआ कॉस, कॉस हटी मतलब कॉस सिक्सटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जो कॉस, ठीक है। अगर साइन थर्टी वैल्यू है तो थर्टी में क्या ऐड कर नाइनटी वैल्यू है सिक्सटी ना। जो साइन थर्टी की वैल्यू होती है क्या आपकी होती है कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है। ओके अब बात करें टेन थर्टी की, तो इसकी क्या होता है साइन थर्टी डिग्री अपॉन में कॉस थर्टी डिग्री होता है, ऐसा होता है। और साइन थर्टी वैल्यू याद होगी कॉस अभी क्या हुआ, अरे थर्टी प्लस सिक्सटी मतलब जो साइन सिक्सटी की वैल्यू होगी वह क्या आपकी होगी कॉस सिक्सटी की वैल्यू होगी, ऐसे वैल्यू बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ इस टाइम क्वेश्चन आपका जो अगर अगर पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में वहां बात करेंगे कि आपस में चेंज करके हम इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके काटते भी है, लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं जो राइट का वैल्यू पुट करेंगे सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ पहले क्या है साइन डिग्री वाली क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। साइन डिग्री क्या होती है 1/√2 होती है, मालूम होनी चाहिए आपको। प्लस टेन डिवाइड बाय क्या होगा ओनली वन होगी जो थर्टी की होगी, सिक्सटी प्लस थर्टी नाइनटी, तो साइन थर्टी की वैल्यू जो होगी कोई क्या आपकी कॉस सिक्सटी की होगी। कभी कभी कहती है वन अपॉन टू तो क्या हुआ सॉरी 1/√2 बेटा क्या हुआ ओनली क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, नीचे ओनली है क्या आ गया टू आ गया, माइनस साइन सिक्सटी कितना है रूट 3/2 अपॉन में कॉस 45 क्या है 10/45 का आर स्क्वायर मीटर वर्ग, माइनस कॉस थर्टी वैल्यू क्या होती है जो साइन सिक्सटी वैल्यू होती है रूट 3/2 एंड साइन थर्टी वैल्यू क्या होती है वन होती है। अभी सब सॉल्व करेंगे, करें सॉल्व, ये क्या रहेगा √2 पर 2 नीचे मिलकर √2 अपॉन में 2 प्लस 1/√2 माइनस √3/2 माइनस √3/2 बोला जो होगा होगा एलसीएम लोगे एलसीएम क्या आएगा टू एलसीएम आएगा √2 प्लस 1 माइनस का √3 माइनस √3 क्या आएगा आंसर ऐसे बोलिए 1 प्लस 2 √ माइनस का 2 √3 अपॉन में 2 ऐसा होगा नहीं होगा 1 प्लस √2 और √3 क्या है दोनों क्या है ऐड हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए मैंने लिख के दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आंसर आएगा ये आ गया। लेकिन आप चाहो इसको एक और बेटर आंसर ला सकते हो, क्या अगर मैं इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लू, अगर मैं इन दोनों में से √2 को कॉमन ले लू यहां है नहीं तो मैं 2 को इस √2
और इस रूट में मैं डिफाइंड कर सकता हूँ, क्या मेरा चांस आएगा वन प्लस रूट टू मैंने क्या कवर लिया, क्या आ गया ब्रैकेट में वन माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री आएगा और क्या हुआ टू वन प्लस रूट टू ब्रैकेट में वन माइनस रूट का सिक्स। आप चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, यहां भी छोड़ते हैं और यहां भी छोड़ते हैं, तो आपका तीन में आंसर हो सकता है। ठीक है, आपके ऊपर है कि मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ताकि मेरा एग्जाम में मार्क्स ना काटे। ठीक है, आपका जो नंबर यहां से लेकर यहां लगाए थे उतार दो। ठीक है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं, खेल क्या है, केवल खेल आपका वैल्यू खेल है, वैल्यू आ गए तो सोल्यूशन क्लियर, बाकी वही एलसीएम एलसीएम जो पढ़ते हैं क्लास सिक्स से लेके वही चीज है, करेंगे सॉल्व। कैट टेन स्क्वायर सिक्सटी और टेन सिक्सटी पे क्या किया है रूट थ्री, मतलब रूट थ्री क्या आपका होगा स्क्वायर होगा, प्लस मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि अगर टेन स्क्वायर ए है मतलब क्या आपका हो गया टेन ए इंटू टेन ए, आपका टेन ए क्या आपका है टू टाइम है, इसलिए क्या आपका टेन स्क्वायर ए हुआ। ओके, कॉस स्क्वायर बनने का है मतलब वन का स्क्वायर, सेल थर्टी वैल्यू क्या होती है जो कॉस थर्टी की वैल्यू होगी। अब सवाल ये है कि कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू जो साइन सिक्सटी की वैल्यू होती है वही क्या आपकी कॉस थर्टी की होगी, तो कॉस थर्टी कितना होता है रूट थ्री पॉइंट टू, कर दे इसको बराबर क्या टू पॉइंट रूट थ्री, लिख दो थ्री इंटू टू पॉइंट रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू कॉस स्क्वायर नाइनटी वैल्यू क्या होती है जीरो होती है कॉस स्क्वायर नाइनटी, अरे जो साइन जीरो की वैल्यू होगी वो क्या होगी कॉस नाइनटी, क्योंकि जीरो प्लस नाइनटी जीरो प्लस नाइनटी नाइनटी, जो साइन जीरो की वैल्यू क्या कॉस नाइनटी मतलब जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर अपॉन में क्या हुआ कॉस थर्टी, क्या है साइन का सिखाओ कर लेते हैं साइन का वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट टू मतलब ओनली क्या होगा टू प्लस सेवन सिक्सटी, क्या होता है कॉस थर्टी का है सिखाओ कर कॉस थर्टी क्या होगा सॉरी कॉस थर्टी क्या होगा वन पॉइंट टू होगा वन पॉइंट टू सॉरी क्या है ओनली क्या होगा टू है माइनस कॉट स्क्वायर थर्टी क्या होती है, अरे कॉट क्या होता है टेन टेन्स वोल्ट टेन के क्या होता है कॉट का मतलब ये होता है कॉस कॉस अपॉन में साइन कैसे होता है वन अपॉन टेन, तीन तरीके हैं कॉट इक्वल क्या होगा वन अपॉन टेन या कॉस अपॉन साइन कॉस ए अपॉन साइन कुछ मान लो यार। ठीक है, तो क्या है कॉट थर्टी, अब बताओ टेन थर्टी वाली क्या होगी कॉस इक्वल रूट थ्री अपॉन टू अपॉन वन अपॉन टू, क्या आ गया रूट थ्री आ गया, तो रूट थ्री क्या है जो कि ठीक है हाँ क्या लगा रूट थ्री, क्या रूट थ्री का क्या आ गया स्क्वायर लगा, अब करो सॉल्व क्या हुआ स्क्वायर क्या क्या लगा आपका एक कैंसिल लगा स्क्वायर लगा रूट थ्री है कैंसिल क्या आ गया थ्री प्लस वन, याद क्या हुआ ये कैंसिल क्या आ गया प्लस थ्री इंटू फोर पॉइंट थ्री ऐसा होगा प्लस जीरो और क्या होगा टू टू या फोर फोर माइनस थ्री स्क्वायर रूट कैंसिल क्या आ गया आंसर इससे कैंसिल हो गया यहाँ पे आपको जो है जीरो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और तो कैंसिल हो गई क्या आ गया आंसर फोर थ्री पॉइंट फोर फोर प्लस फोर फोर प्लस फोर इतने कैसे लग गई फोर अपॉन क्या आएगा वन इसका टू एट अपॉन वन आंसर में भी एट डाल लीजिए। ठीक है, अब फिर हम बात करेंगे आगे चार फॉर्मूले की, क्योंकि क्वेश्चन देख के मुझे चार फॉर्मूले याद आ गया क्या जान लो साइन ए प्लस बी क्या हुआ साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी
साइन ए फिर क्या होगा कॉस प्लस प्लस क्या होगा कॉस ए इंटू साइन डी क्या हुआ क्या अगर साइन ए प्लस बी साइन ए फिर कॉस बी इंटू बी क्या होगा कॉस ए इंटू साइन डी अगर यहाँ क्या प्लस प्लस होगा अगर यहाँ क्या माइनस होगा क्या होगा माइनस होगा ठीक है आते कॉस के लिए कॉस ए प्लस बी इसके लिए क्या होगा इसमें क्या होगा दोनों कॉस ए इंटू कॉस बी क्या है प्लस है तो यह क्या हुआ माइनस साइन ए इंटू साइन बी अगर यहाँ क्या होता माइनस यहाँ क्या होता आपका प्लस साइन में क्या होता है वन टाइम साइन फिर कॉस फिर कॉस फिर साइन कॉस क्या होता है कॉस कॉस साइन साइन जहां अगर कॉस में क्या प्लस क्या माइनस होगा अगर यहाँ माइनस क्या आपका प्लस बट साइन में क्या जो वैल्यू यहाँ होती है वही साइन में यहाँ पे भी होता है ठीक है ये फॉर्मूला है तो इस पे क्वेश्चन की बना इस पे क्वेश्चन जो है चाहो तो उसको नोट के लिए करो साइन ए माइनस बी स्क्वायर टू साइन ए इंटू कॉस बी दिया होगा उसको बोला क्या आपको करना है फाइंड ए साइन 15 मुझे क्या फाइंड करना है सॉल्यूशन करते हैं तो मुझे साइन 15 डिग्री फाइंड करना है तो मैं बताओ साइन 15 क्या लिखता हूं 60 डिग्री माइनस ऐसा क्यों लिखती क्योंकि मुझे साइन 50 वैल्यू मुझे याद नहीं है तो साइन 50 को मैं ऐसे दो डिग्री पर तोड़ूंगा जिन दो डिग्री की वैल्यू मुझे याद है नो डेट अबाउट दैट डिग्री ऑफ टू नंबर्स तो साइन 50 को मैं 60 डिग्री में सर्व में माइनस कर दू 45 तो मेरा ये आंसर 15 आ जाएगा लगा मैं साइन ए माइनस बी लगा दो क्या होता है साइन ए मिलेगा 60 इंटू कॉस बी मिलेगा कॉस 45 साइन कौन सा माइनस करेगा क्या हुआ माइनस क्या हुआ कॉस 60 डिग्री इंटू साइन साइन 45 सॉल्व कर लो साइन कितना होता है रूट 3.2 इंटू 1 माइनस कॉस 60 कितना हुआ कॉस 60 कितना होता है 1.2 इंटू 1 जाएगा रूट 3.2 माइनस 1.2 एलसीएम कितना है 2 एलसीएम हो गया रूट 3 माइनस 1 यही वैल्यू होती है किसकी साइन 15 की अब लाइव टाइम का याद करना जब भी साइन 15 वैल्यू नहीं मालूम हो तो यार रूट 3 माइनस 1 बट 2 होती है साइन 15 की वैल्यू ऐसे हम कॉस 15 की निकालेंगे चाहो कर लो उसको नहीं तो ऐसे करना सॉल्व कर लो ठीक है क्या है कॉस 15 डिग्री इसे कह सकता मैं कॉस 60 डिग्री माइनस एक सेकेंड कॉस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी साइन कैसा है माइनस का यहाँ क्या होगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी ओके सॉल्व कर लो कॉस 30 कितना होता है जाओ कॉस 30 क्या होगा 1.2 इंटू 1 प्लस साइन 60 कितना होगा रूट 3.2 इंटू 1 क्या आंसर आएगा 1.2 प्लस रूट 3.2 अरे भाई 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.2 आएगा एंड रूट 3.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा रूट 3.2 आएगा अरे क्या आएगा 2 क्या आपका हो गया एलसीएम हो गया क्या गया 1 प्लस रूट 3 इसको मैं रूट 3 प्लस 1.2 में राइट कर सकता हूं ओके ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया जान लो यही वैल्यू मेरी किसकी हो गई इस साइन 15 की एंड कॉस 15 की बता लो एक और कॉन्सेप्ट बात करते हैं वीडियो में लास्ट कॉन्सेप्ट होगा लास्ट वीडियो ठीक है तो आई होप कि आपने अभी तक यहाँ तक जो ज्वाइन किया वीडियो देखा है ठीक है सो थैंक्स समझिए देखिए अपना टाइम फ्री वेस्ट करेंगे तो कुछ सीखेंगे अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो वही गेम खेलते रहेंगे जिंदगी भर गेम खेलते रहोगे
नोटो सुटो बोलो तो पढ़ना पढ़िए, अभी पढ़ना है तो पढ़ना बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर पढ़ना मन नहीं आता आपको तो पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, कुछ और काम कर लीजिए, पढ़ना है तो पढ़िए जा मन लगा के, इंटरेस्ट मैंने भूख आग आग मतलब जी याद जी। जब भी कुछ याद ना हो ना इस लाइट को रिप्रेजेंट करना, अपने माइंड में बत्ती जो खोपड़ी है उसको दोहराना, इस तरह से अपना आप खोपड़ी काम करेगा, फिर भी काम करे तो बदाम वाम खाओ काम करने लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि ए एंड बी आर रेक्टेंगल, अब क्या होता है कि नंबर वन बताऊं न्यूट को लाई डिस्प्ले क्या होती है 90 डिग्री से काफी छोटी होती है, इसको मैंने मान लिया एक्यूट एंगल, इसको मैंने क्या मान लिया एक्यूट एंगल, न्यून कोण क्या हो गया न्यून कोण, न्यून कोण हमेशा 90 से कम की होती है, चाहे 89 हो कुछ भी हो, लेकिन 90 से कम होगी, कम फॉर्म है। सच दैट 10 इज इक्वल टू 1.2, 10 इज इक्वल टू 1.3, और एक क्वेश्चन है एक फॉर्मूला और है tan a plus b इसका तो क्या होती है tan a plus tan b upon root of minus tan a tan b, अगर यहाँ क्या होता माइनस, यहाँ क्या होता है माइनस, यहाँ क्या होता प्लस, कब जब नीचे होता है माइनस, सॉरी जब यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ क्या होगा प्लस, यहाँ का प्लस है tan a plus tan b upon root of minus tan a into tan b, ठीक है तो इसके बारे में नहीं करना, आओ जो समझ लेना आपके पॉइंट्स को जो डाउट है, और tan a इज इक्वल टू 1/2 पुट कर दो, we have tan a plus b is equal to क्या है tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, okay करना क्या है यहां से tan a की कितनी है 1/2 plus tan b कितना है 1/3 1 minus 1/2 into 1/3 क्या हुआ सॉल्यूशन, एल से क्या हुआ 6, 3 प्लस 2 अपॉन क्या हुआ 6 माइनस 1 क्या लगा, अरे भाई 3 के 6 ना 6 माइनस 1 था 5 अपॉन में 6 क्या लगा से 5 अपॉन में 6 अपॉन में 6 कैंसिल हो गई, क्या आ गया बना गया इज दैट, आप समझ रहे क्या बताया क्या ये है सिंपल सा ये है इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 1/6 आएगा आएगा, अब इसका वैल्यू करोगे क्या आएगा 5/6 क्या आएगा 6 माइनस 1/6 क्या आएगा बोलिए 5/6 अरे क्या हुआ वैल्यू क्या हो गई कैंसिल हो गई क्या आ गया 1 आ गया ना, दिस दैट tan a plus b इज इक्वल टू आपका आ गया 1 आ गया, देयरफॉर tan a plus b इज इक्वल टू tan 45 डिग्री में राइट कर सकते हो, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और tan क्या हो गया कैंसिल हो गया, देन a प्लस बी इक्वल क्या आ गया 45 डिग्री, और यही मुझे फाइंड करना था, ठीक है देन tan a का वैल्यू 45 डिग्री, तो ये क्या वैल्यू होगी, ये क्या होगा लास्ट इज क्या होगा a प्लस b इक्वल टू 45, ये आपका नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक है गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर बने रहेंगे उम्मीद रखिए कि अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक शायद करेंगे, यहाँ तक कोई डाउट्स होगा तो हमें कमेंट करना जो शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है जो होती है शेयर करता हूँ, बाकी चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू बाय बाय, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर घंटी प्रेस कर देना, ओके थैंक यू।